अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे मिलते ही इसीलिए ताकि हम पढ़ाई की बातें कर सकें। बोरिंग लगती होंगी बहुत ज्यादा पढ़ाई की बातें, बट देखो 10-15 मिनट की वीडियो है, तो 10-15 मिनट में अगर पूरे दिन भर से सिर्फ पढ़ाई के लिए बात कर रहे हैं तो चलता है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सेल, सेल कॉम्बिनेशन, इंटरनल रेसिस्टेंस सब कुछ अच्छे से समझ लिया है, तो आज हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा ट्रिकी लगते हैं, तो उसको समझेंगे कि किस तरीके से करना होता है। उससे पहले हम समझेंगे कि किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, वो दो लॉ क्या होते हैं। किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेसिस्टेंस और ये सेल और इन सब का कॉम्बिनेशन करके एक लॉ बनाए थे, दो लॉस बनाए थे मेनली। उन दोनों लॉस के बारे में भी समझाया था क्या था, और उन दोनों लॉस की इंपॉर्टेंस भी हमें पता लगी थी क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं पहला लॉ क्या था। पहला लॉ था हमारा जंक्शन रूल, किरचॉफ्स, इसको आप बोल सकते हो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर जंक्शन रूल। आपको पता है जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां ट्रेन्स में हम लोग यूज करते हैं, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन्स आके मिलती हैं और रुक जाती हैं, जैसे देहरादून जंक्शन, या फिर आप किसी भी एरिया में रहते हैं वहां पे कोई भी जंक्शन, तो हमने बोल दिया जंक्शन मतलब जहां पे बहुत सारी ट्रेन्स आती हैं और एक पॉइंट पे आके मिलती हैं। सिमिलरली यहां पे हम बोल रहे हैं कि जब भी करंट पूरे सर्किट में दौड़ रहा है, अगर करंट पूरे सर्किट में दौड़ रहा है और एक पॉइंट है जहां पे आप उसको जंक्शन बोल सकते हो, मतलब वहां पे वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट करंट्स आके मिल रहे हैं या उस पॉइंट से निकल रहे हैं, मतलब वो ऑरिजिनेट का करने का वैसे पॉइंट है जहां पे या तो सारे करंट आके मिलते हैं या वहां से सारे करंट निकल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, तो हमने बोला जो टोटल करंट इन एट जंक्शन होगा वो हमेशा जीरो होगा, मतलब जितने भी करंट आ रहे हैं या जितने भी करंट जा रहे हैं उन सबको जब आप सम करोगे तो वो जीरो आना चाहिए, मतलब लगभग वहां जंक्शन पे कोई भी करंट नहीं बचता है, या तो करंट वहां चला जाएगा या तो करंट यहां रह जाएगा, आगे जाएगा या पीछे रह जाएगा, बीच में नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने बोला इन इलेक्ट्रिक सर्किट The algebraic sum of the current meeting at any junction is zero. Algebraic sum of any current, जितना भी करंट हमारे सर्किट में है अगर वो जंक्शन पे मीट करता है तो वो जीरो होता है, मतलब सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, समेशन का मतलब होता है सम करना, एक जैसे डिफरेंट क्वांटिटीज को आप सम कर रहे हो उसको हम बोलते हैं समेशन, और अभी हम किसका सम कर रहे हैं? करंट का, तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो। एक एग्जाम्पल से देखते हैं क्या है। मैंने सर्किट बनाया, सर्किट में मेन बात मान लो आप ये मेरा जंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे आई वन करंट जंक्शन में एंटर हो रहा है, आई फोर एंटर हो रहा है, आई टू एंड आई फाइव, आई सिक्स और आई थ्री जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो सबसे पहली बार बच्चों, जब कोई करंट जंक्शन पे एंटर होता है, जो इनवर्ट करंट होता है वो होता है हमेशा पॉजिटिव, और जो करंट जंक्शन से बाहर की तरफ निकलता है वो हम लेते हैं नेगेटिव। खैर ये चीजें हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से बदलती रहती हैं, ऐसा कोई परफेक्ट और परमानेंट रूल नहीं है, बट ज्यादातर हम इस रूल को ही फॉलो करते हुए देखेंगे। ठीक है, तब हम बात करें टोटल करंट एट दिस जंक्शन कितना होगा, तो जितने भी इनवर्ट करंट्स हैं उन सबको ऐड करेंगे, आई वन आई टू आई फोर आई फाइव, और जितने भी आउटगोइंग करंट्स हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस आई सिक्स माइनस आई थ्री, ये आपको टोटल करंट देगा एट दिस जंक्शन पॉइंट। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल है। इस वाले रूल का आप एप्लीकेशन यहां देखोगे अपने किरचॉफ्स के सेकंड रूल में, तो फर्स्ट रूल को सिर्फ समझने की जरूरत है कि एक जंक्शन पे डिफरेंट करंट्स आके एडअप हो जाते हैं, फिर चाहे वो करंट बाहर निकल रहा हो चाहे वो करंट अंदर आ रहा हो, जो बाहर जाएगा उसको हम माइनस साइन के साथ ऐड करेंगे और जो अंदर आ रहा होगा उसको सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके, सो अब हम देखते हैं इस वाले किरचॉफ लॉ को एक्चुअल में, इसके पीछे का बेसिक क्या है। इसके पीछे का बेसिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
ये सिर्फ इतनी बात कहता है कि जितना करंट, जितना चार्ज हमारे सर्किट में एंटर होगा उतना ही सर्किट से बाहर जाएगा। चार्ज विल नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अपने आप हम चार्ज नहीं क्रिएट कर सकते सर्किट में और ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना भी टोटल सर्किट में हमारा करंट दौड़ रहा है एक जंक्शन पे, उन सबका सम जीरो होगा। बस इतनी बात बोल रहा हूं, ठीक है। जहां भी एक पॉइंट होगा जहां पे सारे करंट मिलेंगे वो जीरो होगा। तो मतलब फर्स्ट लॉ का बेसिक है, बेसिक प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऐसे ही सेकंड लॉ का भी बेसिक प्रिंसिपल है, बट उससे पहले समझते हैं सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ को आप लूप रूल या मैश रूल भी बोल सकते हो। लूप का मतलब होता है ऐसे गोला जैसे बोलता है, जैसे लूप, और मैश मतलब होता है एक तरीके से पूरा जाला सा हो गया। मतलब मैश 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 आप क्या बोल सकते हो, मैश जो पूरा एक कोई उलझा हुआ चीज होती है, जैसे आप उलझा हुआ ऊन देखोगे पूरा उलझ जाता है, उसको बोलते हैं मैश। तो क्या बोलते हैं ये लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड देयर रिस्पेक्टिव रेसिस्टेंस। जब आप सम कर रहे हो, किसका सम कर रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रिस्पेक्टिव रेसिस्टेंस, मतलब करंट इनटू रेसिस्टेंस को जब आप ऐसे ऐड करते जाओगे, ऐसे ऐसे करते हुए ऐड करते जाओगे, इन सबका टोटल का सम बराबर आएगा उसके ईएमएफ के। जितना भी सर्किट में ईएमएफ होगा उसके बराबर आएगा। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, जितना अच्छा लैंग्वेज से नहीं आ सकता। क्या बोला क्वेश्चन ने लॉ ने, क्या बोला लॉ ने, बोला देखो ध्यान से, हमारे पास सर्किट में दो सेल लगे हैं। अब ध्यान देना है बच्चों, ये जो सेल के आगे रेसिस्टेंस लगा है आप इसको इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल नहीं कह सकते। हमेशा याद रखना है जब भी सेल के जस्ट बगल में यहाँ पे लगता है वो होता है इंटरनल रेसिस्टेंस। अगर आगे कोई सेल के लग रहा है रेसिस्टेंस तो वो सिंपल एक रेसिस्टर है आर नाम का, ठीक है। ओके, तो हमने एक सेल ले लिया E1, एक सेल ले लिया E2। अभी हमने इसका इंटरनल रेसिस्टेंस अकाउंट नहीं लिया है, हमने सिर्फ इसके आगे दो रेसिस्टर लगाए हैं, एक के रेसिस्टेंस से R1, एक के रेसिस्टेंस से R2। E1 सेल से जो करंट निकलेगा वो I1 होगा, E2 सेल से जो करंट निकलेगा वो I2 होगा। और जैसे ही ये इस पॉइंट C पे मिलेंगे, जंक्शन बन रहा है यहाँ पे, ये और ये दो मिल रहे हैं, यहाँ पे है I1 और I2, दोनों मिलके यहाँ से कैसे फ्लो होंगे, I1 प्लस I2 की फॉर्म में फ्लो होंगे, ठीक है। यही करंट हमारा आगे आगे दौड़ेगा I1 प्लस I2 में, क्यों, क्योंकि यहां से आता है, बीच में कोई भी और करंट नहीं है। तो अब अगर मैं बात करूं इस टाइम पे कि पहला वाला मैं अपना ये ले लेती हूँ लूप, पहला मैंने लूप ले लिया ए से बी, बी से सी, सी से एफ और एफ से ए, ए बी सी एफ ए, ए बी सी एफ ए, ठीक है। याद रखना है जब करंट की डायरेक्शन में चलेंगे पॉजिटिव, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे नेगेटिव। तो यहां पे हमने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस बराबर आएगा टोटल ईएमएफ इन द लूप। तो मेरा पहला लूप मैंने लिया है ए बी सी एफ ए, यहां पे पहला क्या है, पहला यहाँ पे रेसिस्टेंस है R1 और इससे करंट निकल रहा है I1, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम इसे लिख देंगे I1 R1। फिर जब हम यहां से इस वाले में जा रहे हैं, देखो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे I2 और R2 की डायरेक्शन डिफरेंट हो गई, यहाँ पे करंट डिफरेंट डायरेक्शन में, जबकि हमारे लूप के हिसाब से हमें इधर जाना है, तो माइनस आ जाएगा और कितना आ जाएगा, I2 इंटू R2 इक्वल टू, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में चल रहे थे तो इस वाले सेल को हम पहले लिखेंगे और ये अपोजिट डायरेक्शन में पड़ा ये वाला सेल तो हम इसको बाद में लिखेंगे E1 माइनस E2। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ ध्यान रखना है डायरेक्शन का। आप जिस डायरेक्शन में चलोगे उस डायरेक्शन की क्वांटिटीज पॉजिटिव रहेंगी और उसको अपोज करने वाली सारी क्वांटिटीज नेगेटिव हो जाएंगी। ऐसे ही दूसरा लूप देखते हैं, दूसरा लूप में देख रही हूँ एफ, एफ से सी, सी से डी, डी से ई और ई से वापस एफ, एफ सी डी ई, एफ सी डी ई एफ, ठीक है। यहां से देखते हैं क्योंकि हम एफ से सी की तरफ जा रहे हैं तो I2 R2 तो सेम डायरेक्शन में है, मतलब ये पॉजिटिव आएंगे I2 R2। फिर इससे इधर आ गए नीचे, डायरेक्शन अभी भी सेम है लेकिन करंट क्या बन चुका है, I1 प्लस I2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा R3, और इधर जाएंगे इधर कोई भी और ईएमएफ नहीं है, मतलब यहां सिर्फ रह जाएगा E2, ठीक है।
यहाँ पे माइनस क्यों आया था? क्योंकि हम एक ही सर्किट में हमारे दो सेल थे, तो एक सेल के ईएमएफ से दूसरे सेल के ईएमएफ को माइनस कर दिया। लेकिन जो दूसरा सर्किट है उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ईएमएफ है, तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब अगर मैं सबसे बड़ा वाला लूप ले लू, ए बी डी ई ए, ए से बी, बी से डी, डी से ई और ई से ए, तो ए से बी कितना है अब समझ में आ रहा होगा, आई वन आर वन, सीधा आ जाओ नीचे, सीधा नीचे आ गए, प्लस में ही है क्योंकि सेम डायरेक्शन है, आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री इक्वल टू टोटल ई एम एफ इन द सर्किट सिर्फ कितना है, ई वन की वजह से, ई टू तो बीच में वैसे ब्रांचिंग मिल रहा है। इस तरीके से हम इक्वेशंस बनाते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के बाद I1, I2, I3 की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में और बस क्वेश्चन खत्म। आओ बच्चों अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम किरचॉफ के लॉ का यूज करने वाले हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे गिवन है सेम सर्किट गिवन है, ईवन ई टू दो सेल गिवन है, ईवन की रेसिस्टेंस गिवन है आर वन, ई टू की रेसिस्टेंस गिवन है आर टू, और यहां से E1 से करंट निकल रहा है I1, E2 से करंट निकल रहा है I2, और ये जो है ये पॉइंट बन रहा है इनका जंक्शन का पॉइंट जहां से दोनों ऐड होके मिलते हैं करंट I1 प्लस I2, और एक आउटर रेसिस्टर लगाया है R3, यहां से हमारा करंट पास हुआ है। हमें सबकी वैल्यूज गिवन है E1, E2, R1, R2, R3, हमको करंट निकालना है R1, R2 और R3 से कितना कितना पास हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम इस सर्किट को थोड़ा नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। मैं इसमें ले रही हूं पहला लूप ए बी सी एफ ए। ठीक है, पहला लूप ले लिया ए बी सी एफ ए। तो यहां से देखो बच्चों, क्योंकि ये करंट ईवन से निकल रहा है, I1 करंट ईवन से निकल रहा है, तो I1 इंटू R1 करेंगे। किरचॉफ लॉ यही कहता है, सेकेंड लॉ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस क्या होगा, सेम डायरेक्शन है तो आएगा I1 R1 फिर प्लस, यहां से है इधर, यहां देखो अपोजिट डायरेक्शन हो गई, हमें जाना इधर है लेकिन करंट अपोजिट निकल रहा है, तो यहां पे प्लस नहीं आएगा, माइनस आ जाएगा I2, माइनस कितना आ जाएगा I2 R2, माइनस I2 R2 खत्म हो गया, और हम E1 के डायरेक्शन में चल रहे थे तो E1 माइनस E2। ठीक है, अब यहाँ पे सबकी वैल्यूज रखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि I1 तो है नहीं, तो I1 एज इट इज रहेगा, R1 की वैल्यू हो गई 2I1 माइनस I2 है नहीं, R2 की वैल्यू हो गई 3I2 इक्वल टू E1 माइनस E2, 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही दूसरा लूप ले लेते हैं एफ सी डी ई, एफ सी डी ई और एफ। बच्चों एक चीज याद रखना, अगर हमारे पास तीन वैल्यूज मतलब तीन इक्वेशन बनाए तो सबसे बेस्ट रहता है, इक्वेशन में ऐसे काम करने में आसानी रहती है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, इसको I1 मानते हैं, इसको I2 मानते हैं, और इन दोनों के करंट को ऐड करके इस I1 प्लस I2 को I3 मान लेते हैं, तो इस वजह से 3 वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी, 3 अननोन वेरिएबल होंगे I1, I2, I3। तो क्या करना पड़ेगा, हमें एटलीस्ट 3 इक्वेशन चाहिए होंगे। अभी हम I1 प्लस I2 की फॉर्म में ले रहे हैं लेकिन फिर भी हम 3 इक्वेशन बनाएंगे जिससे हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा रहे तो हमारे लिए इक्वेशन सॉल्व करना आसान रहेगा। ठीक है, तो एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ में देखते हैं, यहां से करंट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, मतलब I2 इंटू R2, फिर प्लस इधर से नीचे ही जा रहे हैं और यहाँ पे आ जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू टोटल EMF पूरे सर्किट में सिर्फ E2 की वजह से है, E2 आएगा, I2 की वैल्यू नहीं पता, R2 की वैल्यू पता है 3I2, फिर प्लस I1 R3 और R3 की वैल्यू कितनी है 3I1 प्लस I2 R3 3I2 इक्वल टू E2, E2 की वैल्यू कितनी है 4, इसको और सेव कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 4, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये ले लेते हैं बड़ा वाला लूप, बड़ा वाला लूप के क्या नाम है ए बी डी ई ए, इसमें यहां से करंट निकल रहा है मतलब I1 R1 प्लस, सीधा नीचे आ जाओ करंट मिल गया हमें I1 प्लस I2,
इनटू सर्किट कितना है यहाँ पे रेसिस्टेंस R3 और यहाँ से टोटल ईएमएफ इसमें कितना है E1। फिर से करेंगे R1 की वैल्यू है हमारे पास 2I1 प्लस I1 इंटू R3, R3 इज 3I1 प्लस I2 इंटू R3 भी हमारे पास है 3I2 इक्वल टू E1 कितना है हमारे पास 6। यहां से इसको सही कर देंगे ये आ जाएगा 5I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 6। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई है, एक है ये, एक है ये और एक हमारे पास है ये। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल एलिमिनेशन लगाएंगे और इक्वेशन आराम से सॉल्व होंगे। बच्चों हमारे पास अब तीन इक्वेशन आ चुकी हैं। अब इन तीन इक्वेशंस का यूज करके हम निकालेंगे अपना I1 और I2 की वैल्यूज। मैं पहली इक्वेशन यूज करूंगी ये, दूसरी इक्वेशन यूज करूंगी ये और हम मेथड कौन सा लगाएंगे, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी दो वेरिएबल को सेम बनाते हैं और उनको एलिमिनेट करते हैं ताकि जो एक बचा हुआ वेरिएबल हो उससे हमारा आंसर आ जाए। तो मैंने देखा यहाँ पे इक्वेशन ये, यहाँ पे इक्वेशन ये, अगर मैं I1 को सेम बना दूं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 2 6, 2 3 6, 6 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, 6I1 माइनस 3 3 9I2 इक्वल टू 3 2 6। इसको क्या लिखेंगे, 6I1 प्लस 2 6 12I2 इक्वल टू 2 4 8। ठीक है, अब माइनस कर देते हैं, मतलब साइन चेंज, सिंपल माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा माइनस 21I2 इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, I2 की वैल्यू आ जाएगी 2/21। ठीक है, I2 की वैल्यू आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे I1 की वैल्यू आ जाएगी। अब आप बोलोगे हमने ये तीसरी इक्वेशन निकाली इसका तो कुछ यूज नहीं हुआ, तो ये चीज आप रख लो अपने पास, चलो अपने लिए कि जब भी दो वैल्यूज निकालनी होंगी दो इक्वेशन बनाएंगे, तीन वैल्यूज निकालनी होंगी तो तीन इक्वेशन बनाएंगे। तो हम अगर I1 प्लस I2 को I3 की फॉर्म में बनाते तो हम इस इक्वेशन को भी यूज करते, लेकिन हमने I1 प्लस I2 ही रखा है इसलिए दो इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा। अब I2 की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में मैं रख रही हूं, तो 2I1 इक्वल टू 2 प्लस 3I2, माइनस था तो वह जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 इंटू 2/21 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 6/21 और 21 इंटू 2 आ जाएगा 42 प्लस 6/21 और यहां से I1 की वैल्यू आ जाएगी इंटू 2, तो 42 प्लस 6 आ जाएगा 48 अपॉन 21 इंटू 2 224, तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी 24/21। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, डिपेंड करेगा रेसिस्टेंसेस को अलग बढ़ा दें, हो सकती है वैल्यूज अलग बना दें, हो सकता है वो 3-4 वेरिएबल में भी इक्वेशन दे दें। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन और उसके बाद बस सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगा के अपना आंसर आपको निकाल देना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज का इतना ही लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, अपनी क्वेरीज को पूछने की कोशिश करें और बिल्कुल ऐसा ना करें कि कोई चीज नहीं समझ में आई तो एकदम छोड़ दिया। ठीक है, सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।